मेडिसिन टैबलेट के बीच में ये लाइन क्यों होते हैं? गुस्सा होने पर हमारा फेस लाल क्यों हो जाता है? और एक ऐसा जॉब जिसमें लोगों को धक्का देना पड़ता है, पर क्यों, जानेंगे आज के इस एपिसोड में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 15, आज के टाइम में किसी को चोट लगने पर मेडिसिन के साथ बैंडेजेस दिया जाता है ताकि ज्यादा खून ना बहे। पर क्या आप जानते हो, प्राचीन काल में अगर किसी को चोट लगता था तो उस इंसान को मकड़ी के जाले से बैंडेजेस किया जाता था, क्योंकि मकड़ी के जाले में नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल गुण होता है और साथ ही विटामिन के, जो कि खून को रोकने में मदद करते हैं। नंबर 14, जापान में एक ऐसा जॉब है जिसमें स्टाफ पैसेंजर्स को धक्का देकर ट्रेन के अंदर डालते हैं। दरअसल यहाँ की ट्रेनों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है जिसकी वजह से कभी कभी ट्रेन का दरवाजा बंद नहीं हो पाते, और इस जॉब के लिए सिलेक्ट किए जाने वाले स्टाफ भीड़ को धक्का देकर दरवाजा बंद करने में मदद करते हैं। नंबर 13, क्या आपको पता है, जैसे इंसान दूसरे के बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, वैसे ही अगर कोई गिलहरी मर जाए तो दूसरा गिलहरी उसके बच्चे को एडॉप्ट कर लेती है और फिर बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही देखभाल करते हैं। नंबर 12, हम सभी को मोबाइल का इतना बुरा लत लग चुका है कि हम अपने फैमिली को भी टाइम नहीं देते हैं, और अगर कभी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो खाने से ज़्यादा चैटिंग में फोकस रहता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक रेस्टोरेंट में एक ऐसा रूल्स बनाया है कि अगर आप अपने फ़ोन का यूज़ नहीं करते हो तो आपको आपके बिल में 10% छाड़ दिया जाएगा, जो कि बहुत ही कमाल का आइडिया है। नंबर 11, अगर आपको अच्छा नींद चाहिए तो दोपहर के 1 से 2 के बीच में सोने की कोशिश करें, क्योंकि उस टाइम हमारे बॉडी टेम्परेचर बहुत ही कम होती है और साथ ही हमारे बॉडी का हर एक पार्ट लेजी हो जाते हैं, और अगर आप उस टाइम सोते हो तो आपको बहुत जल्दी नींद भी आ जाएगा। नंबर 10, उत्तर अटलांटिक महासागर में बरमूडा नाम का ट्रायंगल है जिसमें 90% टाइम प्लेन और शिप गिर जाते हैं और कभी वापस नहीं आए हैं, और अगर कोई इंसान उस जगह से सर्वाइव करता भी है तो वो इंसान अपना याददाश्त खो देता है, इसी वजह से उस ट्रायंगल को बहुत कोई ड्रिबल ट्रायंगल भी कहता है। नंबर 9, क्या आप जानते हो, दुनिया का सबसे ऑनेस्ट कंट्री न्यूजीलैंड को कहा जाता है और दुनिया का सबसे करप्ट कंट्री स्वीडन को माना जाता है। नंबर 8, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा फेस जो है लाल हो जाता है, पर क्यों? दरअसल जब हम किसी बात को लेकर गुस्सा करते हैं तो हमारा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और खून को हमारे मसल में बहुत तेज़ी से भेजता है ताकि हम लड़ने के लिए तैयार हो जाए, और इसीलिए हमारा फेस लाल दिखता है। नंबर 7, बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर हर दिन किसी ना किसी का चालान तो कटता ही है, पर इंडिया में एक ऐसा आदमी है जिसे बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर भी जुर्माना नहीं देना पड़ता है। जी हाँ, जाकिर नाम के इस शख्स को बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर भी जुर्माना नहीं देना पड़ता है, क्योंकि इनका सर इतना बड़ा है कि बाजार का कोई भी हेलमेट इनको फिट नहीं होता है। नंबर 6, हाल ही में नागपुर के एक लड़के ने यूट्यूब से देखकर बम बनाया और उसे एक्टिवेट भी कर दिया, पर जब उससे बम डीएक्टिवेट नहीं हुआ तब वो बम को लेकर पुलिस स्टेशन चला गया बम को डीएक्टिवेट करने के लिए। तो यार, आप ऐसा गलती मत कीजिए, किसी भी चीज़ का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 5, क्या आपको पता है, एडिडास कंपनी समुद्र में पड़े प्लास्टिक के कचरे को जूता बनाने में इस्तेमाल करते हैं। एक जोड़ी जूता बनाने में 11 प्लास्टिक के बोतल लगते हैं, और 2019 में इस कंपनी ने 10 लाख जोड़ी जूते बेचे भी थे। नंबर 4, इसराइल गवर्नमेंट उनके सोल्जर्स के लिए एक गजब की टेक्नोलॉजी इन्वेंट किए हैं। दरअसल यह टेक्नोलॉजी बिल्कुल एक स्टोन की तरह दिखता है। जब सोल्जर्स इस इन्वेंशन को पहनकर एक जगह में बैठा रहता है तब ऐसा लगता है कि मानो कोई पत्थर पड़ा हुआ है, और ये इन्वेंशन बहुत ही कमाल का है। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया के अजीबोगरीब रूल्स के बारे में आपको पता ही होगा, जिसमें एक रूल्स ये भी है कि आप अपने मर्जी के टीवी चैनल नहीं देख सकते, वहाँ पर वही टीवी चैनल देख सकते हो जो सरकार आपको दिखाना चाहता है, और अगर आप इसका विरोध करते हो तो आपको फांसी की सजा भी हो सकती है। नंबर 2, मेडिसिन टैबलेट के बीच में ये लाइन तो आप देखे होंगे, पर क्या आप जानते हो ये लाइन किस लिए दिए जाते हैं? दरअसल दोस्तों, मेडिसिन टैबलेट के बीच में ये लाइन इसलिए दिए जाते हैं जिससे आप उस टैबलेट को 2 पार्ट में करके उसकी पावर को कम करके खा सके। और मैं आपको बता दूं, ये लाइन ज़्यादातर हाई पावर वाला टैबलेट में देखने को मिलता है, जिससे कि अगर हमें कम पावर वाला टैबलेट ज़रूरत है तो उसे बीच में से तोड़ करके खा सकें। और नंबर 1, अगर आप स्विट्जरलैंड में रात के 10 बजे के बाद फ्लैश करते हो तो आपको फाइन भी देना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर रात को फ्लैश करना इल्लीगल है। तो यार, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और कौन सा वाला फैक्ट आपको ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइए।